कोई भी लोकल बंदा अगर ये काम करे वो क्यों नहीं ग्रो हो पाएगा? कितने की सेल हो जाती है? 10 तक पहुंच जाती है। तो कोई सपना हो? हमारे लिए मकान लेने का सपना था, मकान ले लिया मैंने। यहाँ शहर में मकान लेना बड़ी मुश्किल की बात है। ऐसा कोई शर्म तो नहीं है? क्लास की लड़कियाँ देखती हो, आपको कुछ सैलरी वैलरी देते हैं आपके चाचा? खर्चे भरने के पॉकेट मनी आईफोन ले रखे हैं उन्होंने? अच्छा, अपने अपने आईफोन छुपा रहे हैं भाई, तो करोड़ों रुपए आएंगे कहीं तो इस्तेमाल करेंगे। तो भैया बहुत बिजी हैं भाई काम में, तो कोई बात नहीं, तो बात करते रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। तो भैया सबसे पहले तो हमें नाम बताइए अपना। कृष्णा सिंह है, यहाँ से। अच्छा। वैसे जो हम गांव से बिलोंग करते हैं। कहाँ तो से हो आप? एमपी, ग्वालियर। एमपी से? मैं बचपन से आपको यहाँ पे देख रहा हूँ, आपका हॉट डॉग खाता हूँ। तो आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हो? 15-16 साल हो गए लगभग। 15-16 साल से आप यहीं पे कर रहे हो या इससे पहले कहीं और था? नहीं, यहीं कर रहे हैं, अपना भाईचारा बना हुआ यहीं कर रहे हैं, यहाँ से कहीं गए बढ़िया। अच्छा, यहाँ स्पेशली करने आए थे या कुछ और काम से आए थे करनाल में? काका का लड़का था तो मैं पढ़ाइयाँ करते थे, पहले छुट्टी हो गई थी 2 महीने की। अच्छा। और घर हमारा ऐसा ही था, मतलब खर्चे नहीं चलते थे, 3 भाई है हम। अच्छा, डैडी अकेले हैं कमाने वाले हमारे। पढ़ने के लिए आए थे आप? बस काम के लिए आए थे, 2 महीने छुट्टी। अच्छा अच्छा। कितना पढ़े भी हुए हो? कितनी पढ़ाई की है? 9वीं तक की है। मतलब हिसाब किताब के लिए तो कर रखी है। आपके पास काफ़ी भीड़ है, अभी टाइम भी रात के 10 बजने वाले हैं। कितने बजे आते हो पहले तो ये बताओ? मैं शाम को 4:30 के लगभग आता हूँ। कितने हॉट डॉग बना दे तो कोई आइडिया? 300 हॉट डॉग। 15 साल पहले आपने स्टार्ट किया था, तब उस टाइम कितने रुपए का था हॉट डॉग? उस टाइम मैंने 5 रुपए का बेचा था, स्टार्टिंग 5 रुपए से की थी। और आज कितने रुपए का है? आज 15 का भी है 20 का भी है। तो आपको मजा आ रहा है काम करते हुए? घर परिवार इसी से चल रहा हमारा, तो मजा तो आएगा ही आएगा। ये भी आपके साथ है या फिर आपके अंडर ही करते हैं? ये भी सीख रहे हैं क्या अभी? भतीजा है, 12वीं पढ़ाई कर रहा है अभी, 12वीं में है। हाँ, 12वीं में है। और शाम को यहाँ काम कर लेता है। नहीं, बहुत बढ़िया है यार। आज तक 15 साल में कोई सो ऐसा दिन गया होगा ना आपका, जिस दिन आपको मतलब ये हुआ होगा कि आज तो रात के 11:30 बजे भी कस्टमर चारों तरफ खड़े हैं? जन्माष्टमी तो 12-1 बजे तक खड़े होते हैं। कितने की सेल हो जाती है उस दिन? उस दिन सेल अच्छी होती है, यानी कि 10 तक पहुँच जाती है। आपके पास है क्या क्या आइटम मुझे थोड़ा बताओगे? मेरे पास गोलगप्पे हैं, सूजी के आटे के हैं, दही बल्ले हो गए, दही बल्ले, टिक्की छोले हो गए, टिक्की छोले, पापड़ी चाट हो गई, पापड़ी चाट, 4-5 आइटम है। आपकी शादी हो चुकी होगी? शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? शादी हो गई मेरे, 3 लड़की हैं 1 लड़का है। अब लड़कियां अगर आपकी बड़ी हो जाए और वो बोले कि मैं सेम ऐसा काम करना चाहती हूँ पापा, तो क्या आप उनको अलाउ करोगे मतलब ऐसा काम करने के लिए? इस काम के लिए तो अलाउ नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं काम यार। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब अब उनके लिए पढ़ाई करा रहे हैं। नहीं, अगर मान लो कि जॉब में इंटरेस्ट ना हो। हाँ, कोई शॉप वगैरह ले सकते हैं तो करा सकते हैं, पर रेडी पे तो अच्छा नहीं लगता। नहीं, आजकल तो यार बहुत चीज, ये चीज तो कोई रही नहीं ना, जैसे अभी वड़ा पाव गर्ल के बारे में सुना है आपने? वो बिग बॉस तक पहुंच गई है। नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, अगर उनका इंटरेस्ट हुआ, उनको लगा, क्योंकि घर में ऐसा होता है ना कि अगर पापा कुछ काम कर रहे हैं बचपन से हम देखते आ रहे हैं, हमारा भी दिल करता है कि हम भी यार यही करें या इसको बढ़ाए। अगर शॉप हो फिर तो बात अलग है, रेडी पे तो हम नहीं चाहेंगे कि बच्चे हमारे। बट आप लड़कियाँ खड़ी हो, मतलब बड़ा लड़का है, हम मान सकते हैं अपने लड़के को खड़ा कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक, लड़कियों को हम नहीं सकेंगे। बट आज के टाइम में एक फैक्ट है जो मैं देख रहा हूँ कि जो रेहड़ी वाले होते हैं वो शॉप से अच्छा कमाते हैं, काम अच्छा होता है। तो आप एक बार अपना वो भी बता दीजिए, आप कहाँ पे खड़े होते हो? मैं हंसी चौक करनाल चौक ही है, मतलब। मैंने अभी वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आपका फोन देखा था, आप एक बार अपना फोन बताओगे कौन सा फोन यूज कर रहे हो अभी? लोगों को ये ना लगे कि जो रेडी वाले काम करते हैं कि ऐसे ही है। हाँ लो जी, अभी फोन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये रहा फोन, ये रहा भाई का फोन है। ये हमारी इच्छा नहीं थी लेने की, हमारी बात में कहा नहीं अच्छा सा ले लो, एक बार लेना बार बार क्या, हमारे मैडम ने बोला फोटी थोड़ा हिम्मत आई, बस हिम्मत नहीं थी लेने की, हम सोच रहे थे कि छोटा मोटा ले लो, तो मेरी वाइफ ने बोला ले लो कोई बात नहीं, मैंने कह दिया। जज साहब का जब ऑर्डर आ जाता है, होम मिनिस्टर का ऑर्डर आ गया, फिर तो भाई हम पीछे हटने वाले हैं। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अभी आपका काम अच्छा चल रहा है और आप बाहर से आके अपना काम कर रहे हो, आपने सोचा भी नहीं होगा स्टार्टिंग में तो यार कि मेरा काम जमेगा नहीं जमेगा ऐसा कुछ? सोचा तो मेरा इतना कुछ नहीं था कि हमारे पास इतना सब कुछ हो जाए, पर हमारी जैसे पहले लड़की हुई ना हमारी, तो हमारा सब रूप चेंज हो गया। मतलब पहले जब यहाँ में आया था, शुरू में करनाल में आया था, तो मैंने किराए छोटा सा मकान किराए पर लिया था अपना, मतलब 500 का था, तो उस टाइम मैं किराए पर ही रहता था। कहाँ रहता था? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर
3 किलोमीटर दूर से यहाँ आता था। फिर मैंने अपना धीरे धीरे पैसे जोड़ के मकान ले लिया यहीं से। आपका खुद का मकान? अपना खुद का मकान यहीं ले लिया मैंने थोड़ा पैसे जोड़ के। फिर हमारी लड़की का जैसे कि यहाँ सरकार ने 134A के तहत कुछ पेपर दिलवाए होते हैं बच्चों के, हाँ होते हैं, तो मैंने उसमें, हाँ उसमें मैंने पेपर दिलवाया अपनी गुड़िया का, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट मैंने यहीं का अपना सारा कुछ बना लिया। तो मैंने उसे पेपर दिलाए तो हमारी गुड़िया अच्छे नंबर उसे पास हुई, तो उसमें ना हमारी गुड़िया को दिल्ली पब्लिक डीपीएस में पढ़ती है, उसमें एडमिशन मिल गया। तो जब से हमारी वो लड़की हुई ना, वो हमारा सारा कुछ चेंज ही होता गया, मतलब अच्छा मकान धीरे धीरे, अच्छा काम भी अच्छा चलने लगा, खुश है हम। तो कोई सपना हो? हमारा तो सपना था, जब हमारे लिए मकान लेने का सपना था, मकान ले लिया मैंने। यहाँ शहर में मकान लेना बड़ी मुश्किल की बात होती है, मकान लेना हाँ मुश्किल की यही होता है। मैं करो, मैंने ऐसा ऐसा देखा, मैंने जो आलू कट्टे होते हैं ना उसमें सोता था मैं, जब मैं यहाँ शुरू में आया था जो रात को जाता है, फिर रोटी बनानी अकेले खाने, हाँ जब मैं जो मैं कुछ नहीं था मेरे पास, जब एक बर्तन था घर पर, एक खाली एक लोटा होता ना वो था बस। काफ़ी भीड़ होती है आपके पास? भीड़ भीड़ में कोई बर्गर खा के गोलगप्पे खा के चला जाए और पैसे ना दिए, कभी ऐसा हुआ है? वो ऐसा कई बार होता, चला गया हमारे कौन सी किस्मत लेके चला गया, चलो उसे अपने भाग कर ले गया, हम अपने भाग कर कमा रहे हैं। फिर भी ऐसा कभी होता नहीं है। बच्चे कर देते हैं, चलो बच्चे तो कोई बात नहीं, उनसे क्या कह सकते हैं, ऐसा कभी यहाँ होता नहीं है हमारे यहाँ पे। बंदे खा लेते हैं, फिर भी देके जाते हैं, भूल भी जाते हैं ना बंदे, वापस आते हैं भाई आपके पैसे देके आते हैं। हाँ, तो आपका नेचर है ना सबके साथ ऐसा रहन सहन है, तो तभी। अच्छा, कभी रात को जैसे इतनी लेट तक खड़े होते हो आप, कभी लड़ाई वड़ाई हुई है कभी किसी के साथ यहाँ पे, या कहा सुनी किसी के साथ कुछ? रात ही तो तब आ जाते हैं, कई बार आ ही जाते हैं, तब भी हम उनको अगर ज़्यादा ही वो जैसे करते हैं कोई पानी पानी पड़ा भाई पिला दो जान दे दो, कोई बात नहीं। जैसे मान लो कि ज़्यादा ही पी रखी है कर रखा, पहले हम उसको ही सोचते भाई इसको भी कर दो, तो उसके बाद फिर दुकानदारी करेंगे, साइड वाले कस्टमर खड़े थे उनको भी परेशान करेंगे, पहले भाई को करो, साथ रहना पड़ता दुकानदारी है। नहीं बिल्कुल, ये चीज़ें जो सहन कर गया वही दुकानदारी चला, वही दुकानदारी। हाँ मान लो अभी मैं कुछ कह दूँ लड़ने लगा यहाँ पर, चार भाई और बोलेंगे तो यहाँ लड़ाइया करते, यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा, अगर जो आप अपने लोकल गांव में ही होते उधर, ये इतना सब कुछ कर पाते? नहीं कर पाते, मैं ये सोचता हूँ कि चलो मैं अपने बाकी सालों की यहाँ आ गया, ये काम कर रहा हूँ मैं, आजकल मैं यार नौकरियाँ भी कहाँ है, मैं ये सोचता हूँ नौकरियाँ भी नहीं है, और इससे हमने इतना कुछ कर लिया वही बहुत हमारे लिए, वही बहुत हम तो ये भी नहीं सोचा कि अपना मकान खुद के मकान में होएंगे, हमारी लड़की इतनी बड़ी स्कूल में जाएगी डीपीएस में, कभी नहीं सोचा था मैंने। मेरा चलो मैंने तो जिंदगी ऐसी निकल गई, कोई बात नहीं, सही बात, निकल जाएगी अपने बच्चों का भविष्य बने। जो आपको देख रहे हैं अभी, ठीक है, कुछ स्टूडेंट भी हैं, किसी का मन भी होगा पढ़ाई करने के बाद भी ये सोचते हैं कि यार चल बाहर भी पास होगी, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा आगे, मेरा उसको इंटरेस्ट हो ऐसा काम करने में, हाँ तो कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है अपना काम है, कोई दिक्कत नहीं ना, अपना काम में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, बढ़िया है अपना। हेलो, टिक्की भेज दो एक बार। कोई मैसेज देना चाहोगे? क्या कहूँ मैं, नहीं आपने इतना लाइफ में स्ट्रगल किया है यार, कहाँ पहुँचे हो आप खुद से? उससे तो हम अपने मतलब ज़िंदगी में सही पहुंच गए हैं, जहाँ पहुँचा था हमारे को काम चल रहा है, ठीक चल रहा है और काम कर ही रहे हैं। क्या चीज़ आपने अप्लाई की अपनी ज़िंदगी में, क्या चीज़ अच्छी रखी जिस वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो, कुछ ऐसा आपको लगता हो? बस मैंने हार नहीं मानी मैंने जब शुरू में काम किया था, छोटी सी रेडियो हुआ करती थी हमारी, छोटी सी जिसमें गोलगप्पे थे हमारे साथ और खाली टिक्की थी गोलगप्पे थे, कुछ नहीं था, तो मैंने हार नहीं मानी। फिर मैंने किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने घर से निकल आया हूँ ना, अब तो घर को ही मानूंगा, कुछ ना कुछ काम करूंगा जरूर, मतलब वही है घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अच्छा मान लो आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए, तो आप उस पैसे का क्या करोगे अपनी लाइफ में? अभी तक आपको इतना एक्सपीरियंस है, इतनी चीज़ें आपने सीखी हैं, तब उस पैसे का क्या करोगे? ये तो तुमने थोड़े पल के लिए खुशी दे दी, मतलब देखो गाड़ी घोड़ा तो ऐसी है ज़िंदगी में कभी भी ले लेंगे, अपना कमा रहे हैं खा रहे हैं तो गाड़ी घोड़ा ले लेंगे, ठीक है, जब आई फोन जब आई फोन ले लिया तो गाड़ी घोड़ा भी ले लेंगे, ठीक है ना, सही बात है। तो हम तो ये सोचेंगे कि अपना कारोबार बढ़ाएंगे उस चीज़ से, उस पैसे से। हाँ। थोड़ा भाई से बात करते हैं, भाई अपना नाम बताओ। नाम दुर्गेश भाई। स्कूल में जाते हो आप? यस भाई। कौन सी क्लास में? 12th स्टैंडर्ड में। और क्या स्ट्रीम है आपके पास? कॉमर्स। अरे वाह, बिजनेस मैन। तो क्या आपको मजा आ रहा है ये काम करते हुए? आपको ऐसा लगता है, आपके दोस्त लोग देखते होंगे आपको कि आप स्कूल के बाद ये काम कर रहे हो, बुरा लगता? अच्छा, बोलते होंगे दोस्त लोग कैसा काम करा था, कुछ बड़ा काम कर ले, कुछ अपना काम कर ले। अच्छा, मैंने कहा कोई काम छोटा बड़ा। बिल्कुल यार, कुछ क्या करोगे, मतलब पढ़ना चाहते हो या फिर अभी इसी को बढ़ाना चाहते हो काम को? अभी तो पढ़ाई करनी। अच्छा, अभी पढ़ाई करोगे, पढ़ाई के साथ साथ ये भी चलता रहेगा आपका, मजा आ रहा है?
ऐसा कोई शर्म तो नहीं है क्लास की लड़कियां देखती हो, लड़की आती जाती हो? अच्छा लड़कियां ही नहीं है, बॉयज स्कूल में है। कितने गोलगप्पे सेल कर देते हो डेली के? 2-3 हजार रुपए डेली गोलगप्पे। आपको कुछ सैलरी वैलरी देते हैं आपके चाचा? खर्चे भरने के पॉकेट मनी देते हैं? बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आईफोन ले रखे हैं उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा आपने अपने आईफोन छुपा रहे हैं। इनके चाचा ने इसको कॉमर्स दिला रखी है, ये बिजनेस माइंड से चल रहे हैं। तो करोड़ों रुपए आएंगे, कहीं तो इस्तेमाल करेंगे ना उसको, ये मोड़ा देंगे, हमें पता है ना। कोई भी लोकल बंदा अगर ये काम करे वो क्यों नहीं ग्रो हो पाएगा? मैं मोस्टली देखता हूँ जिनसे भी मैंने बात की है तो सब बाहर से आए हुए हैं और उन्होंने अपना लाइफ में कुछ स्टार्ट किया, ऐसे जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो कुछ आगे, तो बाहर से आके चीजें की है। पता क्या, शुरू में ना थोड़ी सी वो होता है कि भाई यार काम चले करें चले, और दूसरी बात कई रिश्तेदार मिलते हैं कि वो तो यार वो काम करता है, यार काम करता है यार, वो तो कहाँ रेडी लगा हुआ है। जब आपका रिश्ता हुआ था फिर बोला नहीं होगा किसी ने? हमारा रिश्ता हुआ था तो आप मानोगे नहीं, मैंने ना छोटा सा किराए में मकान ले रखा था, खुद ससुर देखने आए थे। हालांकि हमारे गांव में जो हमारे मकान थे मिट्टी के बने हुए थे, मिट्टी के बने थे जो मतलब पहले खपरे चढ़े होते, छत नहीं होती थी, मिट्टी का वो चढ़ा होता था खपरे से होते हैं, टीन से, टीन महीने जो मिट्टी के खपरे से नहीं होते। यहाँ पता क्या बोलते मेरे को नहीं पता चीज़ का, तो जो ससुर है ना यहीं देखने आए थे करनाल में कि क्या काम कर रहे हो, तो देखने आए थे। मैं भाई हमारा देखो तो नाना जी थे साथ में, देखो ये काम है, इन्होंने ये ले रखा, कोई नहीं लड़का मेहनती है आगे अपने कर लेगा, जो भविष्य में होगा कर लेगा। मेरे साथ ही हुई जब पहली बार हमारे घर आए तो रोने लगी कि हमारे पापा ने मम्मी ने क्या देखे साथ ही, कि कुछ नहीं है घर में, मतलब तो अब सब खुश होते। कहती जब उस टाइम नहीं था कुछ भी तो कहती हमारा साथ मिला जब भी हुआ, चलो किसी बहाने तो बस जो भी है हुआ तो आई है, हमारा साथ मिला जब जाके बस। तुम कहाँ मिट्टी के उसमें पड़े हुए थे देखो। तो ठीक है गाइस, काफी अच्छा लगा कृष्णा भाई से मिलके। अच्छा आपकी गुड़िया आ रही है क्या? ये कृष्णा की गुड़िया है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा आप? डीबीएस में पढ़ते हो। कौन सी क्लास में? सेवन्थ क्लास में। क्या आपने एग्जाम दिया था 134 वाला, तब आपका नाम आया था उसमें? कैसा है वहाँ पे पढ़ाई, अच्छी है? बहुत अच्छी। क्या आपको लगता है कि लाइफ में कुछ बनना है आपको, कुछ ऐसा है सपना? अब बनना तो है। क्या बनने के सोच रहे हो? वो नहीं सोचा। अच्छा अभी ड्रीम चेंज होते रहते हैं ना बचपन में। कुछ ऐसा सोचा हो कि डॉक्टर बनना है, पुलिस वाला बनना है? पर अभी पूरा पक्का पता नहीं है क्या बनना है। पढ़ाई में अच्छे हो ना? खूब मेहनत से पढ़ाई करना और काफी नाम रोशन करना अपने पापा का। आपके पापा काफी मेहनत करते हैं, काफी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, ठीक है ना? हमारी बच्ची बहुत साथ देती है, सामान से बुलाना नहीं, सामान लेके आती है, अभी भी गोलगप्पे लेके आई है तो घर से ही, क्योंकि हमारे की बड़ी लड़की यही है तो ये इसी से चारों किसी को फोन करना पड़ता है, स्कूल भी जाती है, ट्यूशन भी जाती है, फिर सामान भी देती है, सामान भी जाती है, देने आती है। नाम क्या गुड़िया आपका? एंजल। एंजल केंजल, काफी अच्छा नाम है, यूनिक नेम है। तो ठीक है भाई कृष्णा, थैंक यू सो मच, आपने काफी लाइफ में स्ट्रगल किया और हमें मोटिवेशन भी मिला है आपकी लाइफ स्टोरी सुन के, ठीक है? और जो कोई भी देखेगा वो भी काफी मोटिवेट होगा आपसे। तो वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था हमारा कि जो भी आपने लाइफ में किया है वो चीज अप्लाई करो आप अपनी लाइफ में, वो सीख सके कुछ आपसे भी। कर बंदा ये नहीं सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्या आगे कुछ नहीं कर सकते, तो ये सोचते हैं कि भाई हमारा आगे क्या करूँ, पढ़ाई भी की आगे क्या कर सकते हैं, मतलब खर्चा भी नहीं, भाई कर सकता काम, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच कृष्णा। और इधर भाई साहब काफी बिजी हैं, ये भी स्कूल के साथ साथ अपना काम करते हैं चाचा के साथ, तो पूरा फैमिली है, तो काफी अच्छा लग रहा है हम लोगों को मिलके भी। और थैंक यू सो मच कृष्णा। ओके भाई, मिले आप, वेलकम, कभी भी आओ, वेलकम है आपका, भाइयों का भी वेलकम और जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं सबका, उनका भी वेलकम है।